अहंकारी और क्रूर कंस को अपने काल यानी वृंदावन के वीर योद्धा नन्हे कृष्ण के हाथों मारे जाने का भय सता रहा था। मैं संसार का कोना कोना छान मारूंगा और तुझे ढूंढ निकालूंगा। उसने एक के बाद एक कई भयानक राक्षसों को वृंदावन भेजा। यही सही रास्ता है ना? यही सही रास्ता है। तुम गुफा के भीतर जाओ। पर यहाँ तो अग्नि दैत्य रहता है, वो तो मुझे भस्म कर देगा। चुपचाप अंदर जा, नहीं तो उठाकर फेंक दूंगा। खराब करने वालों को मैं सदा की नींद सुला दूंगा। मैंने तुझे गुफा से बाहर आने को विवश कर ही दिया मूर्ख अग्निदैत्य। तू नर्क की अग्नि में चलेगा मूर्ख, और ये शुभ कार्य मेरी अग्नि से ही हो। तेरी अग्नि बुझाने के बाद किसी को भी नहीं जला पाएगा तू। इस बार तू हार गया अग्निदैत्य। इस बार मैं हारा प्रलंब सर, पर अगली बार बारी तुम्हारी है। पर आज तुम रास्ता भूल के यहाँ कैसे पहुँचे? महाराज कंस की आज्ञा है कि उनके काल के दूत को भस्म कर दिया जाए इससे पहले कि वो उनके विनाश का कारण बने। मैंने भी उसकी चर्चा सुनी है, अगर हम दोनों मिल जाएं तो उसे ढूंढ कर उसका खात्मा कर सकते हैं। हमें तो पता ही नहीं इतने सारे बच्चों में वो कौन है। सो हमें सभी बच्चों की जान लेनी होगी। ये तो और भी सरल है, धूप में सूख कर वन वैसे भी जलने को तैयार है। मैं वन के पेड़ों और उनके छाओं में खेलने वाले सभी बच्चों को जला दूंगा और महाराज का काल शीघ्र ही भस्म हो जाएगा। अपनी मशालें दिखाओ। चलो मुंजावन। बांसुरी कितनी सुरीली और मधुर है कृष्णा। हाँ, ये पेड़ भी इसे सुनकर प्रसन्न है। मैं भी प्रसन्न हूँ, जरा देखो तो सामने से कौन आ रहा है। बहुत ही बढ़िया विचार है मेरे भाई। तो फिर मेरे विचार को पूरा करना चाहिए बलराम। मेरा विचार तो कहता है कि इन गोपियों के हांडी का दूध कैसे पिया जाए, और इस बार ये विचार पूरा होगा। मधु, सुबाला, वेश बदलने को तैयार हो जाओ। कौन सा वेश? हाँ, सही कहा तुमने। ऐसे तो तुम्हारी मटकी गिर जाएगी विशाखा। वो देखो राधा ने अपनी मटकी कैसे संभाली है। ओह, राधा तो वृंदावन की रानी है, उसका तो सारा काम सही होता है। जल्दी जल्दी चलो, कहीं ऐसा ना हो कि। रुको, तुम इन मटकों में क्या छुपा कर ले जा रही हो? वही है जो हम कल लेके जा रहे थे जब तुमने हमें रोका था। और परसों भी, और उससे भी एक दिन पहले। आहा, तो तुम
खजाना छुपा कर ले जा रही थी। ये कोई खजाना नहीं है, माखन है। माखन? माखन? ओ, उस पर कर चुकाना पड़ेगा मेरे पेट के लिए, मेरा मतलब मेरे महाराज के लिए। कितनी बार कहा है तुमसे, हम तुम्हें कोई कर नहीं देंगे। तुम भेष बदल कर हमें मूर्ख बनाने का प्रयास ना करो, हमें पता है तुम कौन हो। तुम हमें नहीं जानती, हम हैं महाराज के प्रिय दूत। यदि हमें हमारा कर नहीं मिला, मेरा मतलब राज्य का कर, तो तुम्हें बड़ा दंड भोगना पड़ेगा। हमारी बात भी सुन लो राजदूत जी, अपने राजा जी को बोल दो हम कर अपनी रानी को ही देते हैं। राधा रानी? पर ये कोई रानी नहीं है, जरा देखो तो इसके कपड़े बिल्कुल ग्वालन जैसे। सही बात, देखो ना उसके सर पर मटकी है, जबकि रानी के सर पर होता है मुकुट। तुम्हारे सर पर बंदर का मुकुट। बंदर मुकुट वाला बंदरों का राजा। यहाँ क्या हो रहा है? हम कर लेने बाद में आएंगे, अभी हमें कोई जरूरी काम याद आ गया। क्या वो फिर तुमसे कर वसूल कर रहा था? ये लड़का अपनी शरारतें कभी बंद नहीं करेगा। जैसे कोई सच में ही मान लेगा कि वो कर वसूलने वाला है। हर किसी को पता है कि वो हमारा दुलारा नटखट कृष्ण है। सुधा, उसकी शरारतें कभी कम नहीं होंगी और हम हमेशा उसे दुलार कर छोड़ देती हैं। उस नटखट को तो सबक सिखाना ही होगा। पर वो हमारे हाथ आए तब ना। चिंता मत करो, एक बार हम उसको सबक सिखा दें, उसके बाद कृष्णा तुम्हें कभी परेशान नहीं करेगा। क्यों, मेरे हिस्से का कर लाए हो ना? कुछ भी नहीं मिला हमें बलराम। अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम सब भूखे मर जाएंगे। चलो, माखन की तृप्ति ना मिली तो क्या हुआ, कृष्ण की बांसुरी तो है। तुम्हारी बांसुरी सुनकर मन ऐसे प्रसन्न हो रहा है जैसे मेरा पेट मक्खन खाने के बाद हो जाता है। वाह, कृष्ण की बांसुरी सुनकर अब कुछ नया खेल खेलने का मन कर रहा है। चलो देखते हैं किसमें कितना बल है, हो जाए रस्सा कशी। चलो हो जाए कृष्णा। जो हारेगा वो विजेता को अपने कंधे पर बिठाकर नदी तक घुमा कर लाएगा। मिल गए बच्चे। अग्निदैत्य बाहर आओ, हमें काम शुरू करना है। इनमें से ही कोई एक वो काल है। मेरा दिल तो धधक गया। चलो इन सारे बच्चों को अपनी आग में भून देता हूँ। देखो, अगर तुम ऐसे जाओगे तो वो भाग जाएंगे। पहले मैं उनको वन की ओर लेकर आता हूँ, फिर तुम सही समय की प्रतीक्षा करना और सारे पेड़ों में आग लगा देना, तब उनका वहाँ से जीवित निकलना असंभव होगा। वाह, बड़ी भभक्ति योजना है प्रलम बसुर। वन की ओर चलो। अब मेरे हाथों मरने से तुम्हें कौन बचाएगा? खेलों में अभी आया बलराम, मुझे कुछ आवश्यक काम पूरा करना है। कैसा काम मेरे भाई? अधूरा कर वसूलना है। मगर तुम चले गए तो खेल कैसे होगा? तुम्हारी और एक खिलाड़ी कम हो जाएगा। तुम यहाँ आओ। हाँ तुम, जल्दी। तुम्हारा नाम क्या है? प्रलम, प्रगोष। सुनो प्रगोष, हमें खिलाड़ी चाहिए, क्या तुम हमारी ओर से खेलोगे? मैं अभी आया मित्रों, तुम सबके लिए माखन और दूध वसूल के। ओह,
मुझे इन बच्चों को पहले वन की ओर भेजना होगा ताकि अग्नि दैत्य अपना कार्य पूरा कर सके। आहा, लड़कियां बिल्कुल अकेली हैं। पेट में जगह है ना दादी, क्योंकि आज हमें बहुत भारी कर मिलने वाला है। चुकाना ही पड़ेगा, या तो सीधी तरह कर चुकाओ या फिर महाराज के इस विशेष दूत के गुस्से का शिकार बनो। रोको इस दूत को, हम कर चुकाने को तैयार हैं। रुक जाओ, अब की तुमने समझदारी की बात, चलो अपना कर निकालो। वृंदावन के महाराज खुश होंगे, बहुत खुश। तो महाराज के विशेष अधिकारी, आपको आपका कर मिल गया। अब हम अपना कर वसूल करेंगे और यशोदा को बताएंगे कि कृष्णा बेचारी लड़कियों का सारा दूध माखन लूट लेता है। उसे बड़ा गर्व होगा कि उसका सपूत कृष्णा अब गायें चराना छोड़कर महाराज का विशेष अधिकारी बनकर कर वसूलता है। रुको, मैया को मत बताना, वो मुझ पर गुस्सा करेंगी। गुस्सा तो वो करेंगी ही। छोड़ो, मुझे जाने दो, आज के बाद मैं वेश बदल कर किसी को तंग नहीं करूँगा। उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम तुम्हें सिखाएंगी कि दूध मक्खन ले जाने के लिए कैसे वस्त्र पहनने चाहिए। क्या कहती हो चंद्रिका? हाँ, ये तो आवश्यक है। चलो चलो शुरू करो। वो लोग थक गए हैं। जोर से खींचो मित्रों। हम जीत गए। चलो आ जाओ नदी तक हमें अपनी सवारी कराने। चलो खड़े रहकर मेरा मुंह मत देखो। चलो चलो सवारी कराओ, घुमा कर लाओ। मैं किसी को सवारी नहीं कराऊंगा, मेरी सवारी करेगा केवल बलराम। मेरी सवारी अब सीधे मृत्यु द्वार पर जाकर रुकेगी। अरे हाथी की तरह नहीं, घोड़े की तरह दौड़ो, घोड़े की तरह तेज और तेज। अब देखो लग रहा है ना बिल्कुल गोपी। यशोदा को कोई इसका ये रूप दिखाओ। ओ मुझे जाने दो। पर तू तो बड़ा सुंदर लग रहा है। बिल्कुल यशोदा की सुंदर सी बिटिया लग रहा है ये। शायद मेरा पुत्र सुबाला तुमसे विवाह कर ले, तब तो तुम मेरी भी पुत्री बन जाओगे। मैं वचन देता हूँ, आज के बाद मैं कोई शरारत नहीं करूँगा, सच्ची। हाँ हाँ चले जाना, ये कर दो लेते जाओ। तुम्हारा मन भर गया, इस तरह मुझे लज्जित करके तुम सब प्रसन्न हो गए ना, अब तो मैं जा सकता हूँ। जाने से पहले हमें नृत्य नहीं दिखाओगे? चलो दधी बाजा बजाओ। नाचो कृष्णा नाचो। ठहरो ठहरो ठहरो, लगता है तुम रास्ता भूल गए। नहीं बलराम, मुझे पता है हम कहाँ पर हैं। प्रगोश, ये तुम कर क्या रहे हो? अच्छा तो तुम मुझे मारना चाहते हो? हाँ, और तुम्हारे सभी मित्रों को भी। अग्नि दैत्य शीघ्र ही उन सबको राख बना डालेगा। तो ये बात है। अच्छा तो देखते हैं कौन पहुंचता है मृत्यु के द्वार तक। अवश्य देखते हैं।
हमारी गाय खतरे में है। तुम रुक क्यों गए? अभी तुमने अपना पूरा कर नहीं चुकाया। कृष्णा, तुम्हें कुछ सुनाई दिया? वो देखो, मेरी प्यारी माताओं, तुम्हारे पुत्र वन में हैं और उन्हें मेरी सहायता की आवश्यकता है। मुझे जाना ही होगा। सुबाला, मेरा सुबाला, मेरा सुदामा। हमें उनकी रखवाली करने चाहिए थी, ना कि कर वसूली। वो वन की आग में फंसी है। गाय भयभीत है। मैं उन्हें वापस बुलाता हूँ। तू नहीं बचेगा दुष्ट बालक, बहुत मजाक कर लिया तूने प्रलंब सुर के साथ। हम मजाक करके ही धूल चटाते हैं। अब मैं तुझे चींटी की तरह मसल डालूंगा दुष्ट। वहाँ प्रलंब सुर तेरे भाई की चटनी बना रहा है और यहाँ मैं तुझे और तेरे दोस्तों को भून डालूंगा ताकि महाराज कंस को कोई भय न रहे। ओ कृष्णा, हमारी रक्षा करो। डरो मत मित्रों, मेरे रहते तुम्हारा बाल भी बांका नहीं होगा। अब मेरी बात सुनो, तुम घास पर लेट जाओ और मन में सोचो कि सुबह की ठंडी ठंडी हवा तुम्हें छू रही है। क्या हुआ बच्चे, अपने मित्रों की आंखों के सामने जलने में शर्म आ रही है क्या? ओह, इतना मत हंसो अग्नि दैत्य, मैं नहीं चाहता कि मेरे मित्र तुम्हारी दुर्गति होते देखें। तेरा अंत आ गया, महाराज कंस प्रसन्न होंगे। ज्यादा प्रसन्न मत हो राक्षस, तेरा कंस बहुत ही दुखी होगा जब उसे पता चलेगा कि तेरा मन एक बालक ने लिया है। उठने का समय हो गया। बलराम कहाँ है? अग्नि दैत्य ने कहा था कोई राक्षस उसे मार डालेगा। तुम लोग उस अंगीठी की बातों में आ गए? अरे वो तो खूब धुआंधार झूठ बोल रहा था। बंद करो ये हल्ला गुल्ला, मेरे सर में पीड़ा होने लगी है। मुझे थोड़ा सोमरस पिलाओ।
क्षमा कीजिएगा महाराज, पर प्रलंब सुर मारा गया। क्या? मारा गया? जी महाराज, ठीक तरह से पता नहीं, किंतु समाचार है कि उसका संहार आपके कालदूत के ही हाथों हुआ है। आकाशवाणी सत्य थी, यदि मैंने उसे नहीं मारा तो वो मेरा काल बन जाएगा। कोई तो होगा जो उस बालक को मार सके इससे पहले कि वो मेरा काल बने। मेरे पास एक उपाय है महाराज। अरिस्तासुर नामक एक बड़ा ही शक्तिशाली दैत्य है जो अपने सींगों से बड़े बड़े पर्वतों को जड़ से उखाड़ फेंकता है। हाँ, वो सच में बड़ा शक्तिशाली है। यदि मेरे काल का कोई काल बन सकता है तो वो है अरिस्तासुर। उसे तुरंत बुलाया जाए। शीघ्र। वृंदावन, तो यहाँ छिपा बैठा है कंस का काल। अब नहीं बचेगा ये बालक। ये सारी पुष्पमालाएं इस वर्ष की सूर्य पूजा को और भी अधिक सुंदर बना देंगी, और मैं इस बार सूर्य पूजा के लिए सबसे सुंदर वस्त्र पहन कर आऊंगी। अब तुम दोनों बातें बनाना बंद करो, नहीं तो हमारा कार्य ही पूरा नहीं होगा। राधा, ये क्या कर रही हो? सूर्य पूजा के लिए पुष्प चुन रही हूँ। सूर्य पूजा के लिए पुष्प, वो भी मेरी अनुमति के बिना? हमें तुम्हारी अनुमति की कोई आवश्यकता नहीं। देखा तुम लोगों ने, ये लड़कियाँ मेरे पुष्प चुरा रही हैं। तुम इस वन के मालिक कब से हो गए? तुमने कभी कोई बीज नहीं रोपा, कभी किसी वृक्ष को पानी नहीं दिया। तुम कुसुम वन की शोभा बिगाड़ रहे हो, गायों और अपने बिगड़ैल साथियों के साथ। तुम होती कौन हो निंदा करने वाली मुझ जैसे सदाचारी सज्जन की? सज्जन और सदाचारी कृष्ण, जिसने जन्म होते ही एक नारी के प्राण हर लिए। पूतना एक दुष्ट राक्षसी थी जो कृष्णा को मारने आई थी, और बचपन में सबके घरों से माखन चुराकर अपनी मैया से कितनी सरलता से झूठ बोलता था। हाँ, बड़ा स्वादिष्ट होता था वो। और जब ये थोड़ा बड़ा हुआ तो स्नान करती बेचारी गोपियों के वस्त्र चुराने में भी इसे लज्जा नहीं आई। हंस लो निर्लज्जो, तो ऐसा सज्जन और सदाचारी है तुम्हारा मित्र कृष्ण। बोल लिया तुमने, अब मेरी बात। इनसे लड़कर और अधिक अपमानित होना पड़ेगा कृष्णा। कृष्णा माखन चोर, कृष्णा माखन चोर, कृष्णा माखन चोर, कृष्णा माखन चोर। आजकल मेरी सज्जनता का कोई महत्व ही नहीं रह गया। चलो गायों को किसी और स्थान पर ले जाए। ये तो बड़ा डरपोक बालक था, ये वो नहीं हो सकता। अरे कोमल, तुमने मेरे लाल को कहीं देखा? हर शाम मैं व्याकुल होकर उसके वापस आने की राह देखती हूँ। तुम्हारी व्याकुलता मैं समझती हूँ, मैं भी उसकी वापसी की प्रतीक्षा करती हूँ। उसके नए नए कारनामे सुनकर बड़ा आनंद आता है। नए नए कारनामे? हो ना हो, ये वही है, रुक कर प्रतीक्षा करता हूँ। ललिता, विशाखा, देखो यहाँ के पुष्प कितने सुंदर हैं, परंतु वहाँ तक मेरा हाथ ही नहीं पहुँचता। ये कैसी आवाज है? किसी गाय के गले की घंटी होगी। सो जाओ भाई। ये घंटी की आवाज नहीं लगती। ये क्या कर रही है? क्या करने का विचार है तुम्हारा? राधा से अपने अपमान का बदला। हमें और पुष्प चाहिए राधा। चिंता ना करो, मैं कोशिश कर रही हूँ। ये डाल तो झुक गई।
लगता है ईश्वर मुझ पर प्रसन्न है। आ गई पकड़ में। आहा, पुष्प चोर फिर आ गई। हमें अपने पुष्पों का ध्यान रखना होगा मित्रों। हाँ छोड़ दो राधा, हम तुम्हें पकड़ लेंगे। इनमें से कोई नहीं, परंतु यदि कंस का काल इतना पराक्रमी है जितना कि मैंने सुना है, तो अपने गांव को विपत्ति में देख दौड़ा चला आएगा। कृष्णा, यदि तुम नहीं गए तो मैया यशोदा बड़ी चिंतित होंगी। मैं अपने पुष्पों की रक्षा करूंगा, चाहे पूरी रात खड़े रहना पड़े। ओह, तुम इतने हठी क्यों हो कृष्ण? हमें ये पुष्प मालाएं सूर्य पूजा के लिए चाहिए। ये सोचना मेरा काम नहीं, अब ये पुष्प केवल भगवान विष्णु के लिए है। ये किसकी आवाज थी? ऐसा लगा कि कोई राक्षस है। आओ कृष्णा, बचा लो अपना प्रिय वृंदावन। रुक जाओ कृष्ण, ये कोई षड्यंत्र है। हो भी सकता है, पर मैं वृंदावन वासियों की पुकार अनसुनी नहीं कर सकता। साधारण सी गाय है, कहो तो वन में इसे भी घास चराने ले जाओ। मजाक बहुत हो गया बालक। तुम कोई राक्षस नहीं हो, एक नीच और अधर्मी पशु हो। तुमने वृंदावन वासियों को क्यों भयभीत किया हुआ है? यदि मुझसे लड़ना चाहते हो तो एक राक्षस की तरह लड़ो, किसी कीड़े की तरह नहीं। Thank you.
मेरे प्रिय कृष्णा। धन्यवाद। एक और। स्वादिष्ट। नहीं नहीं बस और नहीं। कृष्णा मेरे हाथ से भी। अच्छा बस एक और। आप लोग भी खाइए ना। खा खा कर तो मेरे पेट की हांडी बन गई। अब थोड़ा विश्राम हो जाए। अब मुझे ओमलेट भूख लगी है। वाह मेरे भाई, आज तो तुमने अपने कारनामों में एक और नया कारनामा जोड़ दिया। तुम्हारा मतलब है अपने पापों की सूची में एक और पाप। तो अब हमारे सदाचारी कृष्ण ने एक सांड को भी मार डाला है। वो कोई साधारण सांड नहीं था, बल्कि एक राक्षस था, वो भी सांड के वेश में। ओ कृष्ण, चाहे जो हो वो था तो गौ जाति का ही ना। अब तुम्हें गौ हत्या का पाप लगेगा। ठीक है, मैं कल यमुना में स्नान कर पाप धो लूंगा। उससे कुछ नहीं होने वाला। ललिता सही कहती है, ये घोर पाप है और इसे धोने के लिए तुम्हें संसार की सारी पवित्र नदियों में स्नान करना ही पड़ेगा। मुझे एक अच्छा उपाय सूझा है। पूरा संसार घूमने से अच्छा है मैं सभी पवित्र नदियों को यहाँ लाकर उनमें स्नान कर लूं। ओह कृष्ण, सपने देखना छोड़ो। सपने देखती जाओ। पर्वतों के राजा, हिमवान की पुत्री। मैं हूं कावेरी। मैंने ब्रह्मा के आशीर्वाद से नदी का स्वरूप धारण किया है। मैं गोदावरी हूं। मेरा जल आप ही की तरह मधुर है श्री कृष्णा। मैं हूँ सरस्वती। मेरा नाम सदा वेदों, संतों और भगवान विष्णु के साथ लिया जाता है। मैं नर्मदा हूँ। मेरा जन्म भगवान शिव के शरीर से हुआ है। और मैं हूँ आपकी प्रिय यमुना, सूर्य देव की पुत्री, यम की बहन। आपके स्पर्श मात्र से मैं पवित्र हो जाऊंगी। कृपया मेरे जल में प्रवेश करें। ये मेरा सौभाग्य होगा। इस सरोवर का नाम होगा श्याम कुंड। इसका जल पवित्र और शीतल है और श्याम कुंड में स्नान कर मेरे समस्त पाप धुल गए हैं। पर तुम तीनों पाप की भागी बन गई हो, राक्षस अरिस्तसुर का पक्ष लेकर। आओ श्याम कुंड में स्नान करके अपने पाप धो लो। नहीं, तुम्हारे पाप धोकर अब ये जल अशुद्ध हो गया है। हम अपना सरोवर स्वयं बनाएंगी। हाँ, यहीं पर जहाँ अरिस्तसुर ने अपने पैरों से गड्ढा बना दिया। बड़ा सुंदर गड्ढा खोदा है तुमने राधा, पर इसमें जल तो दिख नहीं रहा। जल भी आएगा। यदि वर्षा की प्रतीक्षा कर रही हो तो फिर भूल ही जाओ। मेघ का एक छोटा सा टुकड़ा।
तो तुम तीनों ने निश्चय कर लिया है कि तुम्हें मेरा अशुद्ध जल नहीं चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम मानसी गंगा से अपना शुद्ध जल लाएंगी। क्या मुझे इनकी सहायता करनी चाहिए बलराम? तुम्हारी सहायता के बिना ये कुछ नहीं कर पाएंगी भाई। यह संभव है? ऐसे तो सरोवर बनने में पूरा जीवन लग जाएगा। ओ राधा, तुम तो थक गई और निराश हो गई हो। हमें सेवा का अवसर प्रदान करो, हम तुम्हारा ये सरोवर अपने पवित्र जल से भर देंगे। जी, धन्यवाद। हमारे पास और कोई रास्ता नहीं। तुम्हारा सरोवर राधा कुंड तो मेरे सरोवर से भी कहीं अधिक सुंदर है। ये सरोवर सदा मेरा प्रिय रहेगा और मैं यहाँ प्रतिदिन स्नान करूँगा। तुम्हारा सरोवर भी बड़ा सुंदर है कृष्णा। मैं प्रतिदिन यहाँ अपनी सखियों के साथ स्नान और जल क्रीड़ा किया करूँ। प्रलंबासुर और अरिष्टासुर के वध के समाचार ने पहले से ही भयभीत कंस को और भी डरा दिया। सभी असुर इस प्रयास में प्राणों से हाथ धो बैठे। तुम्हें क्यों लगता है कि तुम मेरे काल को मारने में सफल हो गए? क्योंकि मैं हूँ केशी और मेरे पैरों तले धरती कांप उठती है। मैं आपके काल को ढूंढ निकालूंगा महाराज कंस, और उसे अपने पैरों तले रौंद डालूंगा। इन मोतियों के आभूषण पहनकर दीपावली पर हम वृंदावन की सबसे सुंदर गोपियां लगेंगी। इनसे सजकर हम ऐसे चमक उठेंगी जैसे दीपों की पंक्तियों से घर। तुमने देखा ये लड़कियां मुझे किस प्रकार अनदेखा कर रही हैं बलराम? तुम्हारे सुंदर रूप के चकाचौंध में अंधी हैं मेरे भाई, तभी अनदेखा कर रही हैं। वो तो है ही, पर मेरे विचार से वो नहीं चाहती मैं उनके मोतियों के आभूषण देखूं जो वो दीपावली के लिए बना रही हैं। चलो देखते हैं क्या ये हमारे साथ अपने आभूषण बांटने को तैयार है। तुम्हारे काम में बाधा डालने के लिए क्षमा चाहता हूँ गोपियों, किंतु मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। तुम्हारे आभूषणों की सुंदरता मुझे यहाँ खींच लाई। मेरे मित्र भी दीपावली का त्योहार मनाना चाहते हैं। क्या तुम उन्हें अपने कुछ मोती दोगी ताकि वो भी तुम्हारी तरह अपनी सुंदरता बढ़ा सके? मुझे नहीं पता था कि सुबाला और मधु को अपनी सुंदरता का इतना ध्यान है। ओ, मैं उनकी बात नहीं कर रहा, मेरा मतलब था हंसे और हरिणी। प्यारी गोपियों, तुम्हें अपने आभूषणों पर इतना अभिमान है कि तुमने इन भोली भाली गायों के साथ अपने आभूषण बांटने की मेरी विनती भी अनसुनी कर दी। तुम बड़े अच्छे हो कृष्णा, पर ये मोती केवल राजा रानियों के लिए हैं। तो तुमने सिर्फ दो गायों के लिए ही क्यों मांगा? अपनी सारी गायों के लिए मांगना चाहिए था ना। मुझे तुम्हारे सारे मोती नहीं चाहिए ललिता, बस मेरी दो सबसे प्रिय गायों के सींगों को सजाने के लिए थोड़े से। माफ कर दो कृष्णा, पर मेरे पास तुम्हारी गायों को देने के लिए एक भी मोती नहीं है। ठीक है ठीक है, रहने दो, इनके लिए मैं मोती ढूंढ लूंगा। उन्होंने मना कर दिया हा? ना तो गायों के लिए कोई सम्मान है ना मेरे लिए। एक बार मैं इनकी बुद्धि ठिकाने लगा दूं, तब समझ में आएगा। मोतियों का वृक्ष।
मोतियों का कोई वृक्ष नहीं होता कृष्ण। विश्वास करो मैया, यदि तुम मुझे मोती दोगी तो उन्हें बोकर मैं इतने मोती उगाऊंगा कि हम अपनी सारी गायों को दीपावली पर मोतियों से सजाएंगे। ओ मेरे नन्हे कृष्ण, मोती फलों की तरह नहीं उगते, वो बनते हैं सुदूर समंदर की सीपियों में। प्यारी मैया, मुझे थोड़े से मोती दे दो ना। वचन देता हूँ 3 दिनों में वो उगाएंगे और तुम्हारे पास पहले से कहीं अधिक मोती होंगे। मैं तुम्हें कभी भी ना नहीं कह सकती मेरे दुलारी कृष्णा। मेरी प्यारी मैया, धन्यवाद। क्या हम मोतियों की खेती करने के स्थान पर स्वादिष्ट ताजा मक्खन नहीं उगा सकते? मूर्खों की तरह बात न करो मधु, मक्खन पेड़ पर नहीं लगता, तुम्हारे पेट पर लगता है। तुमने समाचार सुना रहा था, वृंदावन में सभी एक नए किसान की चर्चा कर रहे हैं। अच्छा, वो जो मोतियों की खेती कर रहा है। तुम मेरे कंगन बोकर मेरे लिए नए कंगन उगा दो ना कृष्ण। एक बार मेरे खेत में मोतियों की फसल आ जाने दो, फिर देखते हैं कि कौन किस पर हंसता है। कृष्णा, क्या हम लड्डुओं की भी खेती कर सकते हैं? नहीं मधु, पर तुम्हारे विचार से एक योजना सूझी है, तुम्हारे और सुबाला के लिए काम है। गोपियों रुको, अगर तुम्हें बोने के लिए और मोती चाहिए तो हमारे पास नहीं है। ओ, हमारे पास सुंदर से मोती है, लेकिन कृष्णा ने पूछा है क्या तुम हमें थोड़ा सा दूध दे सकती हो? ओ, खेत में काम करके इन्हें प्यास लगाई होगी। नहीं ऐसा नहीं है, दूध तो उसे अपना खेत सींचने के लिए चाहिए। क्षमा करना, किंतु ये दूध इस कार्य के लिए उपयुक्त नहीं। विशाखा ठीक कहती है, कृष्ण के पवित्र मोतियों के लिए इससे काम नहीं बनेगा, तुम्हें चाहिए नागफनी का दूध। वो दिखने में कैसा था? उसके बालों में मोर पंख लगा हुआ था, वो पीली धोती पहने हुए था और वो बांसुरी बजा रहा था। दूध मोतियों के साथ मनुष्यों को भी बढ़ने में सहायता करता है। जितनी इच्छा उतना दूध पी लेना मधु, बस एक बार तुम जैसे गोल मटोल मोती उग जाए। कृष्णा देखो, मोती अंकुरित होने लगे, मोती अंकुरित होने लगे। इनकी सुगंध अद्भुत है। भावरे भी इनकी सुगंध से मदमस्त हो रहे हैं। ये अद्भुत सुगंध कहाँ से आ रही है? तुम्हारे मोतियों से मैया, वो उगने लगे। उग तो रही हैं, परंतु मोतियाँ नहीं, कांटे। कृष्णा देखो, एक मोती खिला। ये तो हमारे कोई मोतियों से कहीं अधिक सुंदर और बड़े हैं। हम धनी हो गए। अवश्य कृष्ण का कोई छल है, ये नकली मोती है। मैंने आज तक ऐसे सुंदर मोती नहीं देखे। इतनी सारी मोती, कितनी सुंदर है। इसी का भय था, कृष्ण की मोतियों के सामने हमारे मोती फीके दिखने लगेंगे। अगर हम उसे कुछ मोती मांगे तो वह बिल्कुल भी मना नहीं करेगा। हमारा दुर्व्यवहार देखकर अब वह हमें मोती तो नहीं ताने अवश्य देगा। इस दीपावली पर हम सबके हास्य का पात्र बनेंगे। ऐसा नहीं होगा, हमें पता है कृष्ण ने मोती कैसे उगाए हैं। ये बड़ा सरल है, हम भी मोतियों की खेती करेंगी।
हाँ, और हमारे मोती उसके मोतियों से अधिक सुंदर होंगे। क्या तुम लोग पागल हो गई हो? कृष्णा ने ऐसी सरलता से कर लिया तो क्या तुम भी कर लोगी? उसने तो गोवर्धन भी उठा लिया था, तो क्या तुम भी उठा लोगी? मोतियों की खेती आसान नहीं है, देवताओं के लिए भी। कृष्णा तो हमेशा ही ऐसे चमत्कार करता रहता है, पर क्या तुमने कभी एक भी चमत्कार किया है? मोतियों की खेती कोई चमत्कार नहीं है, इसमें कृष्ण की कोई माया नहीं। वृंदावन की दिव्य भूमि है ही इतनी उपजाऊ। हाँ, हमारे वृंदावन की दिव्य भूमि यमुना के जल की तरह अद्भुत है। हम मोती बोएंगे और दूध के साथ साथ उन्हें घी और माखन से सींचेंगे। तब तो कृष्ण की मोतियों से हमारे मोती कहीं अधिक सुंदर और बड़े उगेंगे। आओ रुको, बोना ही है तो ये छोटे मोती क्यों? हमारी माओ के पास बड़े बड़े आभूषण हैं। हाँ, जितने बड़े बीज उतने सुंदर फल। विशाखा, राधा। ओह, सच में माँ, तुम्हें इनसे 10 गुना मोती वापस मिलेंगे। घबराओ मत मैया, हमें अच्छी तरह पता है हम क्या कर रहे हैं। दिनों से लगी हुई है, उग रही है तो केवल जंगली घास। किंतु जितने मक्खन और घी से उन्हें सींचा जा रहा है, ये घास बड़ी स्वादिष्ट हो गई होगी। ये तो बड़ी गड़बड़ है। तुम चाहते हो कि उनके भी मोती होंगे? नहीं, मैं चाहता हूँ वो घी मक्खन को बर्बाद न करके उनका सदुपयोग करे। कृष्णा, मेरे सच्चे मित्र, क्या मुझे कुछ देर के लिए तुम्हारी धोती, बांसुरी और मोरपंख मिलेंगे? ओह, तुम बड़े चतुर हो मधु। मेरे विचार से लड़कियाँ एक थके हारे मोतियों के किसान के साथ अपना घी माखन अवश्य बांटेंगी। कौन है? कृष्णा, यदि तुम हमसे हमारे सुंदर मोती मांगने आए हो तो यहाँ से चले जाओ। मुझे अपना मुख दिखाने में भी लज्जा हो रही है। तुम तो मुझसे कहीं अधिक अच्छी तरह से मोतियों की खेती कर रही हो। यदि तुम थोड़ा सा घी और माखन मुझे दे दो तो मैं अपने मोती कम से कम तुम्हारे मोतियों के आधे आकार के तो कर सकूं। अब जबकि तुम अपना घमंड फुलाकर हमारे पास आए हो, हम थोड़ा सा माखन तुम्हारे साथ बांट सकते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद। हाँ? गोपियों, इधर आओ। तुमने देखा हमारे मोतियों के ये पौधे कृष्ण के मोतियों से अलग हैं। ललिता सच कहती है, हमारे खेतों में तो कुछ भी नहीं उगा, सिर्फ कांटो वाले पौधे उगे हैं। ये बात किसी को पता न चलने पाए, विशेष तौर पर माताओं को। हार्दिक शुभकामनाएं। सुना तुम्हारे खेत में फसल लहलहा उठी है। अच्छा, तुम्हें किसने बताया? एक नन्ही चिड़िया ने, जिसके पैर में एक कांटा चुभ गया था। चलो मित्रों, त्योहार के लिए अपनी गायों को सजाया जाए। माताओं को जब पता चलेगा कि हमने उनके सारे मोती खो दिए तो वो बड़ी क्रोधित होंगी। मैंने तो पहले ही कहा था, पर तुमने मेरी बात ही नहीं सुनी। ये सब कृष्णा ने किया। मैं समझी नहीं विशाखा। वो झाड़ियों में छुपा था, याद है? उसी ने अपने साथियों के साथ मिलकर हमारे पौधे उखाड़ कर उनके जगह कटीले पौधे लगा दिए होंगे। इस बार उसने उत्पाद की सीमा लांघ दी है। मैं मैया यशोदा को बताऊंगी। क्या बताओगी राधा? कि कृष्णा ने इतने सुंदर सुंदर मोती उगाए कि उससे सुंदर मोती उगाने के लिए तुमने अपनी माँ के मोती भी खो दिए। ललिता ठीक कहती है, कृष्ण ने हमें छला हो या हमने स्वयं को छला हो, हमारी परिस्थिति वही है।
हमारे पास एक भी मोती नहीं है। यदि हमारी माताओं को पता चला तो वे हमें कभी क्षमा नहीं करेंगी। परंतु वृंदावन में मोती मिलना इतना सरल नहीं है, हम कहाँ से लाएंगे? हमारे पास और कोई चारा नहीं, हमें कृष्ण से पूछना चाहिए कि क्या वो अपने कुछ मोती हमें बेचेगा। कहाँ है वो बालक? पीली धोती वाला बालक जिसके पास बांसुरी और मोर पंख भी है, मैं उसका सर्वनाश कर दूंगा। चलो यमुना की ओर। इतना सारा माखन और घी खाकर तो मेरा पेट भर गया, लगता नहीं कि मैं महीने भर तक और कुछ खाऊंगा। आखिर मैंने तुम्हें ढूंढ निकाला कंस के काल। मैं काल नहीं, मधुमंगल हूँ। नहीं, तू कंस का काल कैसे बनेगा? क्योंकि मेरे पैरों से कुचले जाने के बाद तुझे कुछ करने का मौका ही नहीं मिलेगा। तुम जिसे ढूंढ रहे हो वो मैं हूँ। कम से कम उस लड़के में थोड़ा बहुत मांस तो था। तुझे तो मैं बाएं पैर से ही मार दूंगा बच्चे। इससे डरो मत। केशी बिल्कुल हमारे खेलने वाले काठी के घोड़ों जैसा है। अब देखेगा तू कि मैं कितना खतरनाक हूँ और क्या कर सकता हूँ। नहीं मेरे मित्र, परंतु भेष बदल कर वीरता पूर्वक इसे मुझ तक तो तुम ही लाए। मैं अब कभी भी तुम्हारा रूप नहीं धरूंगा कृष्णा, चाहे जितना भी घी माखन मुझे खाने को मिले। बहुत सही कहा मधु, ये राय दुरुस्त आए। बड़ी
अच्छी फसल लहलाने लगी। हाँ, बस बेचारे गोपिकाओं के फसल में कुछ भी नहीं होगा, लगता है उनके सारे मोती कीड़े खा गए। हमने सुना है कि कृष्ण अतिरिक्त मोती बेच रहा है सुबाला, हमें भी कुछ खरीदने की इच्छा है। परंतु मोती के बदले तुम दोगे क्या राधा? दूध मक्खन तो यहाँ नहीं चलेंगे। एक बात बताओ, तुम वही गोपियाँ हो ना जिन्होंने मेरे गायों के लिए मोती और मेरी मोतियों की खेती के लिए थोड़ा सा दूध देने से मना कर दिया था? मैं अपने सारे मोती यमुना में फेंक सकता हूँ, परंतु तुम्हें एक भी नहीं देने वाला। हम स्वर्ण से मूल्य चुकाएंगी। तुम्हारे घरों का सारा धन और तुम्हारे घर का मूल्य भी जोड़ दो, तब भी मेरे एक मोती का मूल्य नहीं चुका पाओगी। तुम हमेशा हमारे साथ ऐसा क्यों करते हो कृष्णा? कृपा करो कृष्ण, हम अपनी माताओं के लिए तुम्हारे मोतियों की मूल्य से अधिक चुकाने को तैयार हैं। तुम्हारी माताएं? अच्छा, तब बात अलग है। तुम तो जानती ही हो, माताओं का नाम सुनकर मैं पिघल जाता हूँ, है ना मित्रों? हाँ, कृष्णा को मैया से बड़ा प्रेम है। हाँ बिल्कुल, तुम्हारी माताओं को मेरे सबसे सुंदर मोती मिलेंगे। धन्यवाद कृष्णा। धन्यवाद कृष्णा, तुम बड़े दयालु हो। वो तो मैं हूँ ही, पर धन्यवाद मेरा नहीं, अपनी प्यारी माताओं का करो। बड़ी भूख लगी है और मुझे गर्मा गर्म खाना चाहिए। यदि तुम मुझे गाय नहीं खाने दोगे तो मैं तुम्हें ही खा लेता हूँ। मेरे भोजन में बाधा डालने का साहस किसने किया? बकासुर, मैं तुम्हारे भोजन में बाधा डालने नहीं बल्कि उसे और भी स्वादिष्ट बनाने आया हूँ। और ये आप करेंगे कैसे महाराज कंस, जबकि आपने तो मेरे भोजन को भगा ही दिया। मैं तुम्हें अवसर दे रहा हूँ कि तुम मेरे काल को मार कर उसके स्वादिष्ट नर्म मांस का आनंद उठाओ। आपका काल महाराज? वो बालक जिसने आपके भेजे सभी राक्षसों का वध कर दिया, आप चाहते हैं कि अब मैं उसके हाथों बलि चढूं? ये कैसा उपहास है महाराज? ये उपहास नहीं बकासुर, यदि तुम उसे मारने में सफल रहे तो मैं तुम्हारे लिए आजीवन स्वादिष्ट भोजन का प्रबंध करवा दूंगा। मेरे काल को काल तक पहुंचाओ बकासुर, फिर इस भोजन का आनंद उठाओ। ठीक है, मुझे आपका यह प्रस्ताव स्वीकार है। आपका काल आज सूर्यास्त से पहले मारा जाएगा। कंस का काल जो भी है धन्य है, जिसके कारण हमारी गायें बच गई। सच कहा तुमने, हमारी गाय बचाने के लिए तुम्हारा धन्यवाद। हम इतनी देर से चल रहे हैं, मेरे पैर तो पत्थर की तरह भारी हो गए हैं। अगर इस सरोवर के बीच में कोई रास्ता होता तो हम लोग वृंदावन जल्दी पहुंच जाते। हमारे थके हुए पैरों को भी शीतलता मिलती। मुझे किसी ने मारा। तुम जो भी हो, इसी समय हमें सताना बंद कर दो। नहीं, रुक जाओ। वैजयंती की गेंदों से आक्रमण करने वाले। अब तुम हमें नहीं मार पाओगे। तुम फिर से गलत हो राधा, मेरा लक्ष्य नहीं चूकेगा क्योंकि मैं पिछले जन्म में राम था और सभी जानते हैं कि मैं कमाल का धनुर्धर था। झूठा कहीं का। क्या कहा तुमने? उसने कहा कि तुम झूठे हो, तुम कभी राम नहीं थे। राम तो साहसी योद्धा थे,
कृष्ण का साहस तो केवल बेचारी निहत्थी गोपियों पर ही दिखता है। तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं? पर मैंने धनुर्धर राम का रूप धरा था। धनुर्विद्या में महारत हासिल करने के लिए मैंने ऋषि वशिष्ठ से शिक्षा ली। जब मुझे पता चला कि महाराज जनक ने अपनी पुत्री सीता का स्वयंवर रचाया है और जो भी उनके शिव धनु के प्रत्यंचन चढ़ाएगा वो सीता का विवाह उसी से करेंगे, समझी? ओ, किंतु जब सभी महाबली शिव धनु उठाने में असफल रहे, मैंने उसे इतनी शक्ति से उठाया कि शिव धनु भंग हो गया पल भर में। किंतु जब सीता से मेरा विवाह हुआ, मेरे पिता ने मुझे अयोध्या छोड़कर दंडकारण्य में वनवास पर जाने का आदेश दिया। वहाँ सीता और अपने भाई लक्ष्मण के साथ मैंने वन वन घूमकर सभी दुष्ट राक्षसों का संहार किया। परंतु तभी रावण ने मेरी प्रिय पत्नी सीता को हर लिया और मेरे परम भक्त जटायु के प्राण ले लिए। फिर मैंने रावण की लंका ढूंढ निकाली और वानरों की सहायता से उसका संहार किया और फिर अपने नगर अयोध्या लौटकर वहां का राज संभाला। हम सभी को रामायण पता है कृष्ण, और उस कहानी में तुम कहीं नहीं थे। मेरी बात मानो, मैं अब भी वनों में भटकता हूँ, किंतु मेरे हाथों में अब धनुष नहीं, ये बांसुरी होती है। और तीनों लोगों को अपने बाणों से भयभीत करने के स्थान पर अपनी बांसुरी के तान से समस्त प्राणी जगत को मोहित होने पर विवश करता हूँ। मुझे नहीं लगता ये तुम पर विश्वास कर रही है भाई। कृष्णा की ऐसी बातों पे कोई भी विश्वास नहीं करेगा। यदि ये भगवान राम की तरह कोई वीरता भरा कार्य कर दिखाए तो हम इसकी बातें भी माने। यदि तुम इस सरोवर पर वृंदावन के लिए एक पुल बना सको, जैसे श्री राम ने वानर सेना की सहायता से लंका के लिए बनाया था, तो हम तुम्हारी बातों पर विश्वास करें। तो तुम यहाँ हो कृष्णा, लो आ गई तुम्हारी वानर सेना। यदि तुम्हें पुल ही चाहिए तो ठीक है, बन जाएगा। मेरे विचार से ये कार्य अकेला दधी लोभा नहीं कर पाएगा। धन्यवाद मेरे मित्रों, मुझे फिर से तुम्हारी सहायता की आवश्यकता है। इन गोपियों के लिए सरोवर पर एक पुल बांधो ताकि ये सरलता से घी माखन वृंदावन ले जा सके। लगता है महाराज कंस का काल कहीं पास ही है, मैं उसे सूंघ सकता हूँ। ये रहा, मुझे विश्वास है कि महाराज इसी बालक की बात कर रहे हैं। और महाराज को दिया वचन पूरा करके मैं इसे अपना भोजन बना सकता हूँ। बकासुर ने कृष्ण को ढूंढ निकाला। इंद्र, क्या मैं उसे अपनी अग्नि से भस्म कर दूं? नहीं अग्निदेव, हमें कुछ देर प्रतीक्षा करनी चाहिए।
कृष्णा की माया है। पत्थर तो नहीं तैरते, ये जरूर नकली होंगे। मैं नहीं उठा सकती। नहीं, कृष्णा ऐसा चमत्कार बिल्कुल नहीं कर सकता। जरूर यहाँ के सारे पत्थर तैरते होंगे। यदि तुम मेरी सहायता नहीं कर सकती तो मेरे कार्य में बाधा तो मत बनो। भगवान राम जैसे ही महान है। मैं अभी नहीं मानती कि तुम पूर्व जन्म में श्री राम थे। हाँ, सच में तुम खुद ही वानरों की तरह नटखट हो कृष्ण, इसलिए वह तुम्हारा कहना मानते हैं। राधा ललिता, अपने मटके उठाओ, हमें घर जाना है। तो वृंदावन तक पुल बनाने का ऐसा धन्यवाद दे रही हो तुम मुझे? रुको, तुम्हें इस पुल पर जाने के लिए कर चुकाना होगा। जैसे हाँ, तुम्हारी हांडी में से थोड़ा मक्खन। कृष्णा देखो, वो राक्षस है, वो हम सबको खा जाएगा। की कोई बात नहीं, ये बस एक साधारण सा पंछी है। ये काल तो बन गया मेरा निवाला, अब जीवन भर मुझे भोजन की कोई चिंता नहीं। इस राक्षस ने ये क्या किया? हमें बिना विलंब किए इस दुष्ट का संहार करके कृष्ण की रक्षा करनी होगी। ऐरावत, आओ, तुम्हारा स्वागत है। मैंने ऐसा क्या कर दिया कि मुझे देवों के दर्शन होने लगे? हम तुम्हें दर्शन देने नहीं बल्कि तुम्हारा नाश करने आए हैं। तुम्हारे किसी भी शस्त्र का मुझ पर कोई असर नहीं होगा इंद्र। मेरा ब्रह्मदंड तुम्हारा अंत कर देगा बकासुर। Thank you.
तेरा अंत निकट है बकासुर। प्रहारों से बच गया बकासुर, परंतु मेरी अग्नि से नहीं बच पाएगा तू। अंततः इसका अंत हो ही गया। लगता है ये बकासुर अमर है। अब तो हम सिर्फ कृष्ण की वापसी की प्रार्थना ही कर सकते हैं। भाग जाओ दुष्टों, मुझे कोई नहीं मार सकता, कोई नहीं। ठीक हो गया है मित्रों, तुम आंखें खोल सकते हो। कृष्णा, ओ कृष्णा, तुमने हम सबको उस राक्षस से बचाया। मैं ठीक हूँ, सच में। इतना चकित होने की कोई आवश्यकता नहीं। चलो पुल पर से होकर वृंदावन चलते हैं। विश्वास नहीं करोगी। बकासुर ने कृष्णा को मारने की चेष्टा की। ऐसा कुछ नहीं हुआ ना? सच में बकासुर ने एक पक्षी का रूप लिया था जो इतना बड़ा और उसकी चोंच ताल वृक्ष जितनी बड़ी थी। बहुत बड़ी चोंच। परंतु वो कृष्णा की शक्ति का बिल्कुल सामना नहीं कर पाया। कृष्णा ने खाली हाथ उस दुष्ट राक्षस को मार गिराया। इन नन्हे हाथों से जो कमल की पंखुड़ी के समान कोमल और शीतल है, ये तो असंभव है। तुम उस राक्षस का मृत शरीर अपने आँखों से देख सकती हो मैया, जो सेतु बन के किनारे पर पड़ा है। कृष्णा ने उसकी चोंच ऐसे तोड़ दी जैसे वो कोई घास का तिनका हो। तब तो उस राक्षस से उसने मेरे प्रिय मधु के प्राणों की भी रक्षा की। धन्यवाद कृष्ण, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद कृष्ण, धन्यवाद। मैंने इसका वन जाना इसलिए बंद करवाया क्योंकि वहाँ राक्षस थे, परंतु वो दुष्ट इसके पीछे यहाँ भी आ पहुँचे, उनसे इसकी रक्षा संभव है। मेरा नन्हा कृष्णा, आज से तुम बस घर पर ही रहोगे, वन जाने की कोई आवश्यकता नहीं। गायों को कोई और चरा लाएगा। सच कहूँ तो मेरी वीरता की ये सारी कथाएं झूठी हैं मैया, है ना? बोलो। तुम्हें नहीं लगता कि ये पिछले जन्म में भगवान राम था? और इस तरह नन्हे कृष्ण ने एक वीर योद्धा होने का कर्तव्य निभाते हुए
भयानक दैत्यों से अपने प्रिय साथियों और वृंदावन की रक्षा की और अपने अदम्य साहस से सभी के हृदयों को जीत लिया।